एवरीवन, और आज हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर यू में। और पॉलिटिकल साइंस का ये काफ़ी बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं कि हमारा संविधान है वो किस तरह से अपने नागरिकों को अधिकार देता है, और उस अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बहुत ही अनिवार्य हैं नागरिकों के लिए, उसके लोगों के लिए, उनकी शांति, सहयोग और सुरक्षा के लिए भी। साथ ही साथ नागरिकों के एक जो अधिकार होते हैं, जो उनको प्रदत्त होते हैं संवैधानिक रूप से, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या हैं वो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे स्लाइड के थ्रू। तो पहला है कि व्हाट इज़ राइट, या व्हाट राइट क्या है, अधिकार क्या है। अधिकार ही शक्ति है, राइट इज़ माइट, ऐसा कहा जाता है। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, और उसमें कहीं ना कहीं से राइट्स की बात आती है। लेकिन राइट आर रीजनेबल क्लेम्स आ पर्सन रिकग्नाइज बाई सोसाइटी एंड सेंक्शन बाई अ लॉ। अधिकार लोगों के जस्टिफाइड क्लेम्स की बात करते हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं। वे अधिकार समाज प्रदत्त हैं, वे अधिकार नेचर द्वारा दिए गए हैं, वे अधिकार राज्य द्वारा दिए गए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि नेचुरल राइट से अच्छा कोई राइट्स नहीं है, और अगर उसको उसी तरीके से पालन किया जाए तो सम ऑफ द राइट्स विच आर स्पेसिफिकली यूज बाई अस, या जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो हम क्लेम करते हैं उसको लेकर के। जो क्लेम हम करने के लिए अपरिहार्य है, वही हमारा राइट है। और तो कुछ चीज़ों के लिए हमें जो मान्यताएं मिली होती है, जो हमें उसके जो जस्टिफाइड क्लेम्स दिए गए होते हैं, दे आर कम्स इन द पॉइंट्स ऑफ राइट। तो कितने तरह के राइट्स हैं उसको हम समझेंगे। जो सबसे ज़रूरी राइट है, जिसको हम लोग समझते हैं, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स विच इज़ कम्स एज अ फंडामेंटल राइट। राइट की परिकल्पना देखेंगे तो सीरीज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ आए हैं। चाहे वो मैग्ना कार्टा का शुरुआत हुआ है 1215 में, जनरल बिल के कंसेप्ट आए हैं, अगर जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की है, बहुत सारे फिलासफर ने अलग अलग कंसिड्रेशन के तहत पॉलिटिकल विल और डिज़ायर को के एक्नॉलेजमेंट में भी राइट्स की परिकल्पना दी। लेकिन बेसिकली फंडामेंटल राइट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम लोगों ने यूएसए से अडॉप्ट किया है। और फंडामेंटल राइट्स आर द इनकॉर्पोरेट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 इन द थर्ड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी हैव टेकन दिस फंडामेंटल राइट फ्रॉम यूएसए। एंड दीज आर फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड टू आवर बेसिक फैसिलिटीज विच नीडेड इन आवर ग्रोथ। इनके बगैर हमारा जीवन एक तरीके से जिस व्यवस्था में हम लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो बहुत जगहों से प्रभावित हो सकता है अगर फंडामेंटल राइट ना रहे तो। ये राइट इस तरह से हमको सुशोभित करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो दीज राइट्स आर स्पेशली इन्फोर्स्ड बाई इंडिविजुअल, रिकग्नाइज बाई इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इन्फोर्स्ड बाई द स्टेट्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी कांट बी इमेजिन विदाउट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, बिकॉज राइट्स आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी राइटली स्टेट दैट द राइट्स आर द क्लेम्स विच आर स्पेसिफिकली जो जनता के अधिकारों को अपने बहुत सारे विचारों में समाहित करते हैं। कुछ मेजर फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, वो हैं द राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, द राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 वेयर द फ्रीडम इज गिवन, एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो चलिए इन सभी फंडामेंटल राइट को थोड़ा और नज़दीक से समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम इक्वल हैं समाज में, हमें किस तरह से बराबरी के अधिकार मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट डज इट मीन एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम तो हम सब समझते हैं कि हमें स्वतंत्रता और आज़ादी के एक कंसेप्ट में, एक उसके रिगार्ड में हमको रहने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 14, 15, 16 तीन तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं, इक्वालिटी की। लेकिन जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, किसी व्यक्ति को बदवा मजदूरी,
दास प्रथा या इस तरह से उसको रखना कि उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में आता है। इसके लिए कुछ निजी सेवा शर्तें होती हैं, या वह व्यक्ति या वह जो उस एज ग्रुप में नहीं आता हो, जैसे हम 6 से 14 साल के बच्चों को ढाबे या मोटल्स पे, होटल्स में या ऐसे किसी खतरनाक जगह पे, कार्यस्थल पे हम उसको नहीं ले सकते। अगर उसे हम ज़बरदस्ती लेते हैं तो ये उसके व्यक्तिगत अधिकारों का वायलेशन होगा, जिसको हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत यानी हमारा देश इंडिया डज नॉट बिलीव इन वन पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया इज़ अ स्टेट ऑफ सेकुलर पॉइंट इन विच ऑल द रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस ग्रीवांसेस। तो एवरी पर्सन हुज़ एवर इज़ हैविंग इज फेथ एंड इज डिवोशन टूवर्ड्स इज रिलीजन हैव टू एक्नॉलेज एंड हैव टू फॉलो वॉट रिलीजियस प्रैक्टिस दे हैव एंड हैड इन द विदाउट हार्मिंग अनदर रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट इज योर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 25 to 28। इट इज़ गिवेन इन दैट सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर्म इन विच पीपल कुड प्रैक्टिस देयर नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजियस फेथ एंड इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उस तरह के जो श्रेणी में जो आते हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 इस बात की हमें सहूलियत देता है कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन हैव रूम टू ए सम एड इट या एनी रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड दैट कम्स इन द पॉइंट ऑफ दैट। संविधान में कोई बदलाव, कोई ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ऐड करना है तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स एंड इट प्रोवाइड, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लैक्सीबल एज वेल एज रिजिड टू। तो दिस पार्ट इज़ रिलेटेड टू दैट। राइट टू इक्वालिटी ऑफ आर्टिकल 14 to 18, ऑल टाइप्स ऑफ इक्वलिटी इज मैंशनड हेयर स्टूडेंट्स। द आर्टिकल 14 प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन विच वॉट वी फील द एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी दे कुड बी follow and they there should be article 15 the prohibition of discrimination। किसी प्रकार की हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उस व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता उसके जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग से। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट है हमारे इक्वलिटी का कि हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव और अनटचेबिलिटी के रिगार्ड में हम व्यवहार नहीं कर सकते, उसके जाति, छुआछूत, इन सब को ख़त्म किया गया आर्टिकल 17 में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑल द इंडिविजुअल्स हैव टू इनकॉर्पोरेट एंड कम विद देयर फुल कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन एनी सोशल सर्विसेज फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसको उसी तरीके से हमारे यहाँ मेंशन किया गया जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने मोनोरियल ड्यूज को ख़त्म किया था, सेम वे ऑल द टाइटल्स विच वर अर्लियर प्रिंसली स्टेट्स रूलर हैविंग लाइक राजा, महाराजा, प्रिंस, राजकुमार, युवराज, सारे टाइटल्स को लगभग ख़त्म किया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में। तो इन दिस वे वी प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 to 18 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द एवरी सिटीजन ऑफ द नेशंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड एट द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन। दैट इज द पार्ट इन दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन मेंशन एंड वी हैव अडॉप्टेड दिस पॉलिसी फ्राम यू कैन से द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रीफली सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स दैट वी कैन गो थ्रू द राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट तभी जा करके एक्सेसिबल माना जाता है जब हर वर्ग के लोगों को दे कुड प्रैक्टिस देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड देयर रिगार्ड्स दैट कम्स इन दिस वे देयर इज शुड नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। सो हम लोगों ने किस तरह की इक्वलिटी देखा, आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें और ड्यूरिंग इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्राइमरली मेंशनड इन दैट एंड एवरी पर्सन हुसोएवर इज हैविंग एनी स्टेटस बट एट द पॉइंट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरीबॉडी इज इक्वल। एंड सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 में किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात को नहीं माना गया है। ऑल द टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन पार्ट
बिकॉज इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पॉइंट्स. इक्वलिटी इज़ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 16 आर्टिकल 16 इसके बारे में बात करता है कि सरकार की तरफ से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सरकारी तंत्र के किसी विभाग में और अन्य जो आवेदन की प्रक्रिया होती है उसमें किसी प्रकार का व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव नहीं है. इवन इन आवर कंट्री पीपल दो जो आर फिजिकली हैंडीकैप देन टू दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी इन देयर एरिया दे कुड कम एंड एक्सेल. तो दैट इज़ वाई दिस इक्वलिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाई द आर्टिकल 16. नेक्स्ट अबोलिशन ऑफ पंटेसिबिलिटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. इसको लेकर के काफ़ी सिंसियर था कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड एंड सॉरी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इस आर्टिकल अनटचेबिलिटी ने भारत में एक ऐसी प्रथा को ख़त्म किया जो सामाजिक समरसता के लिए काफ़ी ज़रूरी थी. सेकेंड पॉइंट एबोलिशन ऑफ टाइटल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ फ्रीडम. ये ऐसा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम का जो फंडामेंटल राइट्स के समटाइम इट गोज़ बियॉन्ड एंड समटाइम इट इज़ रिकॉल व्हेन समवन्स फंडामेंटल राइट इज़ हैम्पर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम. तो फ्रीडम बहुत तरह से हमको है. फ्रीडम में जब कभी समटाइम टुडे दिस इज द एयर ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया का यूज़ भी है मिसयूज़ भी है. लेकिन समटाइम मीडिया इज़ अ फोर्थ स्टेट इन द सोसाइटी लाइक डेमोक्रेसी एंड मीडिया इज़ जस्ट वॉइस ऑफ मासेस. लेकिन व्हेन एनी पर्सन इज दिस रिलेट टू दैट एंड देयर फंडामेंटल इज राइट इज़ सम हाउ हैम्पर्ड इन टर्म्स ऑफ द दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट या एनी इंस्टीट्यूशन या एनी पर्सन या एनी टाइप ऑफ द पब्लिक ओपिनियन दे वॉन्ट टू परस्यू इन दिस सच रिगार्ड दिस कम्स थ्रू. तो कैसे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये जनता का सबसे बड़ा हथियार होता है जो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं. एंड इन दिस वे पीपल इस जितने तरह की फ्रीडम है वो हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ आर्टिकल 19 जिसमें मीडिया के अधिकार भी आते हैं और व्यक्तिक अधिकार भी आते हैं. तो दिस इज़ अ पॉइंट इन विच वी कम्स थ्रू. हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, पार्टी बना सकते हैं, हम बहुत सारे ऐसे जो कंट्री के वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाते हैं उसके बारे में हम वी कम्स थ्रू द प्रपोजल दैट इज़ पार्ट ऑफ द फ्रीडम एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस सबसे बड़ा मीडियम है जिसको हमको इनेबल करता है इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट इन पब्लिक एक्टिविटीज़. दूसरा है फ्रीडम टू एसेसेबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स. हमको धरना प्रदर्शन और किसी प्रकार की रैली आज के टाइम में आप देख सकते हैं सो मैनी पीपल प्रोटेस्टिंग एंड या विदाउट एनी अपनी आवाज़ को रखने का जो जरिया है क्या है फ्रीडम इन विच बिकम्स विदाउट आर्म्स. हम बिना हथियारों का सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. यस एसोसिएशन मीन्स टू से दैट इट इज़ अ फ्रेमवर्क या फ्रंट वेयर पीपल विद सेम ओपिनियन कैन कम एंड दे फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेटस. नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली. देश में कहीं आने जाने, घूमने, जॉब करने